और सत्ता में अब बात करते हैं ऐसे विवाद की जिसके संग्राम का केंद्र बिंदु सीता है। सीता शब्द सुनते ही आपके मन में माता सीता का नाम आ रहा होगा और ये वो नाम है जो करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था, आराधना, सम्मान और नारी शक्ति का प्रतीक है। सनातन धर्म के इसी प्रतीक के अपमान पर पश्चिम बंगाल में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है, वो भी इस कदर की मामला सड़क से लेकर अदालत तक पहुंच चुका है। अगर पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में नारी शक्ति वाले दो मुद्दों पर इस वक्त जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। एक विवाद शेरनी का नाम माता सीता के नाम पर रखने को लेकर है, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरा विवाद है संदेश खाली की शेख पीड़ित महिलाओं के साथ हुई क्रूरता को लेकर, जिसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कल सत्ता के न्यूज मित्रों को बंगाल के शेख की क्रूरता वाली कहानी भी हमने दिखाई थी, जिसमें बताया था कि वो कैसे महिलाओं को रात में मीटिंग के लिए दफ्तर में बुलाता था, रात के 12-12 बजे तक मीटिंग के नाम पर महिलाओं को जाने नहीं देता था। आज भी हम कुछ महिलाओं की आवाज आपके सामने रखेंगे। पहले बात करते हैं शेरनी वाले विवाद की, जो बिल्कुल नया है और अगले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर बंगाल का राजनीतिक तापमान और भी बढ़ सकता है। दरअसल बंगाल के सफारी पार्क में त्रिपुरा के सिपाही जला जूलॉजिकल पार्क से शेर और शेरनी लाए गए। विवाद की वजह यह है कि शेर का नाम अकबर है और शेरनी का नाम सीता। 12 फरवरी को दोनों को बंगाल लाया गया था। शेरनी का नाम सीता होने की वजह से विश्व हिंदू परिषद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, शेरनी का नाम बदलने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में राज्य सरकार के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया है। हाईकोर्ट 20 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई करेगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने DFO के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने ये विरोध सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त के पास एक ज्ञापन सौंपने के बाद किया। विश्व हिंदू परिषद सीधे तौर पर सफारी में पहुंचे शेर और शेरनी के नाम अकबर और सीता रखने पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने राज्य की ममता सरकार से इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल की तरफ से कहा गया है कि शेरनी का नाम सीता रखने की खबर मन को झकझोरने वाली है। आखिर ये किस दुष्ट के दिमाग की उपज है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। साथ ही इनके नाम बदलकर संबंधित अधिकारियों को हिंदू जनभावनाओं पर चोट करने के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता। आप देखिए कि इस तरह से हिंदू मानवीयों का उपहास उड़ाना और उन पर हमला करना अभी तक सरकारों का ही काम था, लेकिन अब सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो गए हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नाम फाइनल वाइनी हमने सीएम मैडम के कैसे पाठी थी, सीएम मैडम फाइनल नाम था देवे ये जेठवाबू ने रोला पॉलिटिक्स टा कुछ ही टा नोरा मीर एक टा पॉलिटिक्स वो बोलती है जी हमने एक नो को जो नाम दिए नहीं। माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से खबर में कि मादा शेर का नाम अकबर रखा गया और जो शेरनी थी उनका नाम सीता रखा गया। हम हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, सभी सनातन धर्म प्रेमी इसका गहर विरोध करते हैं कि हमारे आराध्य श्री राम जी की धर्म संगनी माता सीता को, जो हम लोग माँ मानते हैं, माँ हमारी माँ है, उनका एक पशु के ऊपर नाम कैसे रखा जा सकता है। এই জন্য আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের থেকে সেখানে একটা অবজেকশন দেওয়া হয় যে কেন এই সীতা নামটা ইউজ করা হলো। সীতা আমাদের ধর্মীয় ভাবাবেগের জন্য আছে, সেই নামটা ইউজ যাতে না করা হয় এবং নামটা যাতে চেঞ্জ করা হয় সেই জন্য অথরিটির এগেনস্টে আমরা আজকে হাইকোর্টে রিপিটিশন ফাইল করেছি। पश्चिम बंगाल के मंत्री भले ही ये कह रहे हैं कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री आखिरी फैसला लेंगे, लेकिन TV9 भारतवर्ष के पास वो सरकारी दस्तावेज है जिसमें शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखा गया है। इसमें लिखा गया है कि एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा से आए जानवरों को बंगाल में रखा गया है। इस लिस्ट में 10 जानवरों के नाम है, जिसमें पहले का हाउस नेम अकबर लिखा गया है। इसकी जन्म की तारीख 18 मई 2016 मेंशन है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह किस प्रजाति का है और इसकी उम्र क्या है। वहीं दूसरे नंबर पर शेरनी का नाम सीता है, जिसकी जन्म की तारीख 25 जुलाई 2018 लिखी गई है। दोनों पैंथर लियो पर्सिया प्रजाति के हैं।
बताया जा रहा है दोनों को एक ही जगह रखा जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने शेरों का नाम नहीं बदला है। 13 फरवरी को आने से पहले ही उनका नाम रखा जा चुका था। जानवरों का नाम रखने का कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं है और कोई ऐसा कानून नहीं है जहां कि उनका किसी तरीके से नाम रखा जाए। तो ये होता ये है कि आम तौर पे अगर किसी चिड़ियाघर में कोई कीपर हैं या वहां के पार्क के डायरेक्टर हैं तो वो अपनी पसंद से किसी शेर का या शेरनी का नाम रख देते हैं। और रही बात आपको किसी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की भी, तो वहाँ भी यही कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल या आधिकारिक कोई तंत्र या आधिकारिक कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें कि किसी टाइगर या टाइगर्स का कोई या शेर या शेरनी बाघ या बाघिन का कोई नाम रखा जाए।